नमस्कार, मैं हूं सैफ खान और आप देख रहे हैं HN न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। बरेली पुलिस ने पंचायत चुनाव में खपाए जाने के उद्देश्य से लाई जा रही 25,000 लीटर मिथाइल अल्कोहल को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मीरगंज थाना क्षेत्र के दिल्ली लखनऊ हाईवे के एक ढाबे से मिथाइल अल्कोहल से भरा टैंकर पकड़ा है। बताया जाता है कि टैंकर में करोड़ों रुपए की कीमत का 25,000 लीटर मिथाइल भरा था। पुलिस के अनुसार अवैध अल्कोहल से भरा टैंकर पंजाब से यूपी के लिए चला था। इसी दौरान टैंकर जैसे ही यूपी के मीरगंज थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर पहुंचा, तभी टैंकर के ड्राइवर ने एक ढाबे पर टैंकर को रोका। टैंकर जैसे ही खाली होने लगे, तभी पुलिस मुखबिर की सूचना पर वहां पहुंच गई और मौके से मिथाइल से भरा टैंकर, एक पिकअप, 3 ड्रम के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार टैंकर में मिथाइल केमिकल था। इस केमिकल से बड़ी तादाद में शराब बनाई जा सकती है, साथ ही मानक के विपरीत शराब बनने और पीने से कई की जान भी जा सकती थी। आपको बता दें कि यूपी के कुछ जिलों में अवैध शराब के चलते कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। फिलहाल पुलिस इस कांड में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ इस धंधे में शामिल अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है। पेश है बरेली के संवाददाता मुअज्जम हुसैन की यह खास रिपोर्ट। कल दिनांक 12-13 जनवरी की रात को हमारी निरीक्षक मीरगंज अपनी टीम के साथ गश्त का काम करते थे। रात लगभग 3 बजे रामपुर के बॉर्डर पर एक ढाबा है, गुरु नानक कसम से ढाबा, वहाँ पे पंजाब का एक ट्रक खड़ा हुआ था, उस पर एक आदमी ऊपर चढ़ा हुआ था। उसको देखते ही लोगों को शक हुआ, तो वहाँ लोगों ने जाके उनसे पूछताछ करी, तो शक पकड़ के भागने लगा। उसके बाद उसने पूरी बात बताई, साहब हम ये ट्रक पंजाब से ले जा रहे हैं, झारखंड ले जाएंगे, इसमें केमिकल लगा हुआ है। केमिकल के पूछे जाने पर जब बिल देखा गया तो उसमें मिथाइल अल्कोहल लिखा हुआ पाया गया, और ढाबे के मालिक और एक वहाँ पर जब खड़ी थी उसका चालक और एक अन्य व्यक्ति, कुल मिला के 5 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। जानकारी करने पर पता चला कि ये इसमें से जो है केमिकल 1,000 लीटर गुरवंत सिंह की बात हुई थी उतार लेते। गुरवंत सिंह ने बताया कि साहब इसका प्रयोग हम आगामी प्रधानमंत्री चुनाव में अवैध शराब बना के इसका प्रयोग करने के लिए कर सकते थे। इस प्रकार इनको कारण बता के सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से पंजाब का एक ट्रक, इसमें लगभग 26,000 केमिकल, एक पिकअप गाड़ी, इसमें कई जर्कैन हैं, इसमें लगभग 500 के आसपास प्रतिबंधित केमिकल, साथ में 1,000 cc के ढक्कन, 500 खाली सीसी प्लास्टिक है, इसमें ये लोग बना के बेचते थे। ये बना हुआ है, इन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनको इनके घर वालों को सूचना दी जा रही है, मिलकर करा के जेल में। कुल कितने लोग गिरफ्तार हुए और जो पकड़ी गई शराब जो है वो है, उससे कितने लीटर शराब बनाने के अनुमान है? इस घटना में कुल 5 लोग गिरफ्तार हुए। ट्रक जो पंजाब का ट्रक है उसके 2 चालक, ढाबा मालिक एक उसका सहयोगी और एक पिकअप का चालक, कुल 5 लोग गिरफ्तार हैं। जहाँ तक शराब बनाने की बात है, जिसमें हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि इसकी बहुत कम मात्रा से, बहुत अधिक मात्रा में अवैध शराब बनाई जा सकती है, जैसे 25,000 से कई गुना। इसको अभी तो मीटर किया जाना ठीक नहीं है, सही डिपार्टमेंट में बता पाएंगे, लेकिन ऐसे मानिए कि 2.5 ग्रेड का ये मिथाइल अल्कोहल है, ये बहुत ही डेंजरस होता है। अगर इसका कंसेंट्रेशन थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो ये शराब मानव जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है। सर लगभग इसकी कीमत क्या होगी? नहीं, कीमत के लिए हम एक्साइज डिपार्टमेंट लिख रहे हैं, वो इसका आगे बताएंगे। तो क्या ये सर ये ढाबे पे आने वाले जो टैंकर हैं उनको अपना निशाना बना के उनसे मिल के इस तरह से धंधा करते थे अवैध शराब बनाने को बेचने का? नहीं, अभी तो ये लोग बता रहे हैं कि हमने पहली बार ऐसा किया है, क्योंकि पूछताछ में इस बात की भी जानकारी मिली है कि एक्चुअल में ले तो पेपर में चला है वो 24,000, मौके में है 25,000। 1,000 जो उसने किया है, क्या फैक्ट्री से मिलकर ही उसने ऐसा किया या क्या उसकी नियत थी कि ऑन पेपर 24,000 है और वहाँ 25,000 दिखा रहा है वो, इसका मतलब या तो पहले से इसकी सेटिंग रही होगी। इन बिंदुओं पर भी हम लोग विवेचना में अंतर से इस पर परीक्षण करेंगे, जो भी तथ्य आएंगे उस पर आगे की कार्रवाई। ये था कि जो ग्रामीण क्षेत्र चुनाव है और बिल्कुल निस्संदेह जो है
युवन सिंह ने जैसा बताया कि सब इसका प्रयोग हम चुनाव में कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ी सफलता है। और निश्चित रूप से क्योंकि इस तरह के केमिकल से जो हमें शराब बनती है उसकी कास्ट बहुत कम आती है, इसलिए लोग इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है कि इसमें थोड़ा सा भी कुपोषण अगर ऊपर नीचे हुआ तो ये शराब की बजाय एक जहरीला पदार्थ बन जाता है और मानव